सो गाइस वीडियो बहुत अच्छी बनी है तो पूरी वीडियो जरूर देखना गाइस, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करना। ये है एक मिडिल क्लास फैमिली जिसमें रहते हैं तीन लोग, अमित, गौरव और उनकी माँ। वैसे तो अमित एक खुशमिजाज किस्म का इंसान है और काफ़ी मेहनत करता है पैसे कमाने के लिए। जहाँ पर अमित खूब मेहनत करता है पैसे कमाने के लिए, वहीं पे गौरव उन्हीं पैसों को उड़ाता है अपनी शराब के लिए। गौरव को एक बहुत गंदी लत है शराब की। अमित अपने घर के पास के एक पेट्रोल पंप में मेहनत करता है, वहाँ पे वो पेट्रोल भरता है जिसके लिए उसे पैसे मिलते हैं, और उन्हीं पैसों से वो अपना घर चलाता है। जहाँ पे अमित इतनी मेहनत कर रहा था वहीं पे गौरव उन्हीं पैसों को उड़ा रहा होता है। गौरव को जब भी अपने घर से पैसे मिला करते वो उन पैसों को लेके जाता अपने दोस्तों के पास, दारू वारू पीता, मस्ती करता और उन पैसों को उड़ा देता। एक बार गौरव और उसकी माँ रास्ते से जा रही थी, क्योंकि उसकी माँ उससे बहुत गुस्सा रहती थी इसलिए वो उससे हमेशा अलग अलग चला करती थी सड़क पर भी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि लोग गौरव के कारण उन्हें बुरा भला बोले। वो हमेशा कहती थी गौरव से कि गौरव तुम पागल हो क्या, तुम क्यों ऐसा करते हो, तुम ही तो बस हो मेरा सहारा, अगर तुम भी चले जाओगे तो फिर मैं क्या करूँगी, इस शराब से तुम्हारी जान भी जा सकती है, ऐसा मत करो तुम। गौरव की माँ यही सोचते रास्ते से जा रही होती, वो इस सोच में डूबी हुई रहती है और उन्हें पता नहीं होता कि आसपास वो क्या हो रहा है। उन्हें ये नहीं पता होता कि वो सड़क पे चल रही है, और देखते देखते वो सड़क के बीच में आ जाती है और एक गाड़ी आती है और तेजी से उन्हें ठोक के चली जाती है। गौरव देखता है कि उसकी माँ को एक गाड़ी ने ठोक दिया और ये देखते ही गौरव चिल्लाता है माँ। गौरव बिल्कुल डर जाता है, वो बोलता है माँ तुम्हें क्या हुआ, कहाँ हो माँ तुम, जल्दी से वो उनके पास दौड़ के जाता है, बोलता है माँ तुम ठीक हो। गौरव नशे में होने के बावजूद उसे पूरी तरीके से ये होश था कि उसकी माँ का एक्सीडेंट हो चुका है और उसे कैसे भी करके अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जाना है। वो परेशान हो जाता है, वो ढूंढता है आसपास कोई है जो मेरी माँ को इस हॉस्पिटल लेके जा सके। जहाँ पे गौरव की माँ गिरी हुई थी वहीं पे एक इंसान आता है, अपनी गाड़ी रोकता है और पूछता है गौरव से भाई क्या हुआ तुम्हें, ये क्यों यहाँ पे इस तरह गिरी हुई है। तब गौरव उन्हें बताता है भाई किसी ने मेरी माँ को अपनी गाड़ी से ठोक दिया और वो यहाँ पे गिर चुकी है, उन्हें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया तो काफी खून बह जाएगा, मे बी मेरी माँ की जान नहीं बच पाएगी, प्लीज मेरी माँ को ले चलो हॉस्पिटल। वो अनजान इंसान गौरव और उसकी माँ को गाड़ी पे बैठाता है और बोलता है चलो भाई मैं तुम्हें ले चलूँ डॉक्टर के पास, और वो सभी लोग डॉक्टर के पास पहुँचते हैं। गौरव अपनी माँ को हॉस्पिटल में एडमिट कराता है, वहाँ डॉक्टर बोलता है गौरव तुम्हारी माँ की जान बचाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर तुम्हें अपनी माँ की जान बचानी है तो इन्हें जल्दी से जल्दी खून देना होगा, और तुम्हारा खून इनसे मैच तो करता है पर तुम्हारा खून हम इन्हें दे नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा खून गंदा हो चुका है, क्योंकि तुमने काफ़ी समय से शराब पीना शुरू कर दिया था, बहुत पहले से ही शराब पीना और कई तरह के तुम नशीली चीज़ें खाते पीते हो, इस कारण तुम्हारा खून इन्हें नहीं दिया जा सकता है। डॉक्टर की बात सुनकर गौरव काफ़ी उदास हो जाता है, वो हॉस्पिटल के बाहर जाता है और सोचने लगता है कि कैसे वो अपनी माँ की जान बचाए। गौरव ने तो ये सोच लिया था कि अब उसकी माँ की जान नहीं बचेगी, उसे हर जगह उसकी माँ ही दिखाई पड़ने लगी थी, और जैसे ही गौरव उनके पास पहुँचता वो गायब हो जाती। गौरव ये सोच सोच के काफ़ी परेशान हो चुका था, वो सोच रहा था कि कैसे उसकी माँ की जान बचाए, क्योंकि उसका जो भाई था वो भी दूसरे शहर जा चुका था और वो इतनी जल्दी आ नहीं सकता था क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो प्लेन से आए। गौरव निराश परेशान होकर के वापस से डॉक्टर के पास चला जाता है, वो उनसे कहता है डॉक्टर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपनी माँ की जान नहीं बचा पाऊँगा क्योंकि मेरी गलतियों की आज मेरी माँ को चुकाना पड़ रही है, मैंने इतने शराब पिए, इतना भी कुछ किया, पैसे उड़ाए और आज देखो मेरा खून गंदा हो चुका और मैं अपनी माँ की जान नहीं बचा सकता, जिस माँ ने मुझे जन्म दिया उसी के आज मैं जान नहीं बचा सकता, और मेरा भाई भी कुछ नहीं कर सकता, वो आ ही नहीं पाएगा इतनी जल्दी। गौरव जब अपनी गलतियों पर पछता रहा था कि अचानक से उसका भाई आ जाता है, वो बोलता है भाई आज मैं अपनी माँ की जान बचा के रहूंगा, डॉक्टर साहब मेरे बदन से जितना चाहे उतना खून निकालो पर मेरी माँ की जान बच जाए बस। गौरव बोलता है भाई तू इतना जल्दी कैसे आ गया, तेरे पास तो प्लेन के पैसे भी नहीं थे। इतने में ही उसका भाई बोलता है भाई मैंने आज तक जितने भी पैसे जमा किए थे, जितने भी मेरे पास गहने गाड़ियाँ सब कुछ मैंने बेच दिया और तुरंत मैंने एक प्लेन की टिकट ली और मैं यहाँ आ गया। डॉक्टर साहब जल्दी से आप ट्रीटमेंट शुरू कीजिए और मेरी माँ की जान बचाइए। फाइनली गौरव को यह एहसास हो जाता है कि शराब की लत बहुत गलत होती है और वो धीरे धीरे शराब को छोड़ देता है और वो लोग अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। सो गाइस जाते जाते यही बोलूँगा कि अगर वीडियो पसंद आई होगी तो जरूर शेयर करना, और खास करके शराब की लत बहुत ख़राब होती है तो ये वीडियो जरूर उन लोगों तक शेयर करना जो भी शराब वराब पिया करते या कुछ भी तरह का नशा करते हैं। ठीक है गाइस,
तो यार पिछली गिवअवे का विनर जो था इस वीडियो में आने वाला था, पर किसी कारण मैं नहीं बता पाया। इसके लिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी डिले हो रही थी, इस कारण भी मैं नहीं बता पाया। तो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा, ठीक है, और नहीं तो मैं कम्युनिटी पोस्ट कर दूंगा। ठीक है गाइस।